हेलो एवरीवन, मेरा नाम विलास वाही है और मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 के रिजल्ट लिस्ट में 10th रैंक मिली है। और आप सभी लोग मुझे डेली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मेरे जितने भी अटेम्प्ट्स रहे हैं, मैंने टोटल 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं और पांचों अटेम्प्ट्स में मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री रहा है। केमिस्ट्री की तरफ मेरा इतना लगाव क्यों था, पहले मैं सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये इस ऑप्शन को चूज़ करने के लिए मेन फैक्टर था। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन जो कि केमिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स इन केमिस्ट्री IIT दिल्ली से किया है 2011 में। तो कह सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो था इस सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था और मैंने केमिस्ट्री 5 साल तक ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। Pearson India's content and civil services is known for being the world class. And now, they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik and Indian polity authored by Sriram Srirangam or Srirams IAS and Rohit Deo Jha. इसके बाद मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल लेके एक और एग्ज़ाम दिया UPSC का, जिसे कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम कहते हैं। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम जो है वो ग्रुप ए जियोलॉजिस्ट जियोफिजिस्ट केमिस्ट रिक्रूट करने के लिए होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। एक काइंड ऑफ स्पेशलाइज पोस्ट होती है ये, और 2015 में मैंने पहली बार दिया था और इसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। इससे मैं काफ़ी मोटिवेटेड हुआ और मैंने ये सोचा कि क्यों ना केमिस्ट्री ऑप्शनल ट्राई करके मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम भी ट्राई करूं। और उसी के बाद मैं 2015 से ही सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू किया और अटेम्प्ट्स भी दिए। टोटल 5 अटेम्प्ट्स केमिस्ट्री ऑप्शनल के साथ मैंने दिए हैं, जिसमें से मैंने 4 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो मैंने एक तरह से 4 बार केमिस्ट्री ऑप्शनल भी अटेम्प्ट किया है केमिस्ट्री के पेपर्स। अगर मैं इस ऑप्शनल के प्रिपरेशन की बात करूं तो लाइक एनी अदर साइंस ऑप्शनल, ये ऑप्शन का सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है। और डिस्पाइट हैविंग अ बैकग्राउंड इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मेरा एक बैकग्राउंड होने के बावजूद मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने कोचिंग की हेल्प ली। मैंने डायस कोचिंग RK सिंह सर की हेल्प से मैंने केमिस्ट्री प्रिपेयर किया। और 2016, 17, 18 और 19 अगर देखा जाए तो चारों ही सालों में मेरे मार्क्स ठीक थे ऑप्शनल में। 2017 में मेरे मार्क्स थोड़े कम थे, पर वो शायद पेपर 1 में मेरे मार्क्स थोड़े कम थे, बट अदरवाइज मेरे परफॉर्मेंस मैंने जो किया उसके हिसाब से ओके था। अगर बात करें कि कितना टाइम इस ऑप्शन को प्रिपेयर करने में लगता है, तो अराउंड 5 महीने आपको इस ऑप्शन को प्रिपेयर करने में लगेंगे। मुझे इसको 5 महीने कोचिंग के साथ प्रिपेयर करने में लगे थे। अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं करीब 2 से 3 घंटा खास तौर से प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जो कि करीब 3 से 3.5 महीने का टाइम होता है, डेली बेसिस पे 3 से 3 घंटा कम से कम जो है वो केमिस्ट्री ऑप्शनल को दूं और इसमें मैं आइदर पेपर 1 और पेपर 2 इनको प्रिपेयर करता था। पेपर 1 जिसमें मोस्टली इनऑर्गेनिक और फिजिकल इन्वॉल्व होता है, इसमें डेरिवेशंस वगैरह काफ़ी रहती हैं और न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो आपको प्रिपेयर उसी तरह करना पड़ता है। मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक्स इसके लिए नहीं पढ़ी, सिर्फ डायस के नोट्स ही करे हैं। सिमिलरली पेपर 2 में भी मैंने डायस के नोट्स से ही प्रिपरेशन करी है और ख़ास तौर से मैंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करके जा रहे हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इस ऑप्शनल में और इसी क्या किसी भी साइंस ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो हैं पिछले 10 साल के या 15 साल के आपको ज़रूर करने चाहिए, और यही मेरी स्ट्रैटेजी भी थी। पेपर 2 की तरफ मेरा कुछ ज़्यादा लगाव था, क्योंकि पेपर 2 ज़्यादा स्कोरिंग मेरे हिसाब से होता है, क्योंकि पेपर 2 में कम एफर्ट करके आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ऑर्गेनिक का इसमें रहता है और इसमें ऑर्गेनिक के पेपर में सिर्फ एक रिएक्शन कम्प्लीट करने से आपको पूरे 10 मार्क्स अवार्ड हो जाते हैं। रिएक्शन कम्प्लीट करने से मेरा मतलब है खाली एक जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को ठीक से बना देने में बिना कोई मैकेनिज्म लिखे भी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि खाली रिएक्शन प्रोडक्ट लिखना है, मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा,
तो फ्री के 10 मार्क्स होते हैं। और अदर ऑप्शंस अगर देखा जाए, चाहे ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल हो या कोई भी और ऑप्शनल हो, तो और ऑप्शनल्स में आपको 10 मार्क्स अर्न करने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है। तो पेपर टू मुझे लगता है काफ़ी स्कोरिंग होता है, और अगर मेहनत की जाए तो पेपर टू में अच्छे से स्कोर भी हो पाता है। अगर बुक्स की बात की जाए तो जो बुक लिस्ट है वो ईजिली अवेलेबल है और आपको ईजिली मिल जाएगी, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी जो बुक लिस्ट है या रिसोर्सेज हैं बहुत नैरो रहें, और इसीलिए एस्पिरेंट्स जो हैं वो कोचिंग की तरफ जाते हैं और इससे स्कोर्स भी इम्प्रूव होते हैं। Millions of aspirants across the country prepare for civil services every year. As many as 8 lakh students appeared for the civil services exam in 2019, which is considered the most widely taken exam in the country. Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now, they have launched books on Indian culture, art, and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik and Indian Polity authored by Sriram Srirangam or Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. 25 years ago, I had given the UPSC exam. I had gone through it and I got through but I didn't do very well in my interview, and the question related to heritage and tradition, and it has always bothered me. So I said, this is an opportunity to right the wrong, because why could I not answer the question properly is because it was not clearly explained to me. And I said, okay, let me, at least as a responsible citizen of our country, put together a book that will make things simple and easy. And that was the reason I did it. And really, culture and mythology have a very close relationship. Mythology is more abstract, culture is more concrete. They are like sort of two sides of the same coin. So I focused more on the abstract aspects. I enjoy it. And I realized I was not paying attention to the material aspects of the culture. And that happened around the same time. My friends who are experts in museum craft and experts in museums were telling us how they struggled to get information out to young people. So, you know, all came together, and this was a great opportunity for me to also streamline my thoughts. So I took the opportunity, and it took some time, but we did. Another book titled Indian Polity, authored by Sriram Srirangam and Rohit Deo Jha, covers important chapters on the Indian Constitution, its sources and amendments, directive principles of state policy, fundamental rights and duties, and acts related to it, election commission and schedules. Given the fact that polity has significant weightage in the exam, it can make or break your progress. So it matters quite a bit that we are in tune with the changes. My idea, dream, desire, whatever, is to make my students feel utterly comfortable with the book. You know, lectures are there to back it up. Q&A is there. WhatsApp is there. Everything is there so that you are on track to making it. But the book should give you so much relief that you should dance and sing at the end of the day after finishing a chapter. Along with the new rich titles, Pearson India is offering an app both on Android and iOS, which will provide a blended learning experience to students and brings the learning content in an innovative bite-sized format, which will be made available to the aspirants on the daily basis. Pearson India is partnering with eminent content creators for this app and will be offering the resources free to the aspirants. The idea is digital first company in the education segment, keeping current pandemic challenges in the mind. Over the last 1 year, during the pandemic, right through, like anyone else, we were also confronted with a lot of challenges in terms of how to deliver solutions, because schools were not working, institutes were not working, students were at home, stuck, educators were not able to do face-to-face teaching, etc. So largely the online mode
But the challenge was, how do you still keep the learning curve intact? So whether it is K-12, the higher ed, test preparation is what we are focused on today, and professional educations. I think Pearson took this lead of creating this entire online ecosystem. And we're happy to share that across India, we were able to connect with more than 10,000 teachers through various online training interventions, workshops, webinars, etc., which actually greatly helped the teachers to deliver the process of learning to the students. So that was a great experience and learning for us, because we also had to sort of quickly develop this capability, imbibe, and move forward. But if you look at specifically the test prep segment, I think apart from the postponement of the various cycles, etc., the real challenge was, how do you create capabilities and solutions for these high-stake exams, be it NEET or IIT, JEE, UPSC, through great content and something where you can also build in assessment solutions, mock tests, and good amount of preparation resources, so that the learners could take those exams being fully prepared. So this is yet another step in that direction. Very soon, both the books will be available for purchase on Amazon India. तो इस वीडियो में केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए इतना ही. ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स. विश यू सक्सेस इन लाइफ. जय हिंद.